जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के बारे में। अच्छा मैडम, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का आपने दौरा किया और आपने देखा कि खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना यहाँ पर काम कर रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में, अभी जिस तरह हम सिविल सर्विस में हैं, एकेडमी में हैं, तो वहाँ पर भी 60-40 रेशोज़ हैं, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान में सभी यू नो डिपार्टमेंट्स में, सभी सेक्टर्स में औरतें मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं, यहाँ पर भी देख के खुशी हो रही है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आज तक कभी इतफाक नहीं हुआ इस तरह की किसी यू नो डिपार्टमेंट में जाएं या किसी ऐसी अथॉरिटी का दौरा करें, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि सिविलियंस की सेफ्टी के लिए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का आपने दौरा किया है, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखते हुए आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इसके क्या? मेरा जब तक का विजिट हुआ है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का, मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू सी सच अ वंडरफुल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपके सामने अभी पीछे हमने वॉल भी देखी है जो कि आई एम लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में हो सकता है और लाहौर में हो सकता है, तो मेरा अब तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने आपके दो डिपार्टमेंट और भी विजिट किए हैं, मुझे नहीं पता था कि हमारी जो 15 के हम लोग कॉल करते हैं, 1122 पे करते हैं, वो इस तरह कंप्यूटराइज होकर ऑटोमेशन के ऊपर आ गई है। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल विजिट सो फार, और आई एम होपिंग टू सी अदर गुड थिंग्स आल्सो। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मुझे जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर वेल एजुकेटेड और इंजीनियर्स हैं। अभी मुझे बताया कि मेरी बात भी हुई कुछ लोगों से, उन्होंने बताया कि ऑल ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स, कुछ टेलीकॉम से हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, तो ओवरऑल इन्वायरमेंट देख के नहीं लगता कि कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी वंडरफुल इवेंट विजिट सो फार। आपने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस टेक्नोलॉजी को देखते, इस मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट कल्चर को देखते हुए? जी बड़ा अच्छा लगा है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव लिया गया है, सिटीजन्स को जिस तरह के से फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमने उन सेंटर्स में भी देखा जो कॉल्स रिसीव हो रही, पूरे पंजाब से जो कॉल्स रिसीव हो रही थी और जो हर डिस्ट्रिक्ट से आ रही थी, उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखें डाटा किस तरीके से हम इकट्ठा कर रहे हैं, आज मॉडर्न वर्ल्ड है और मॉडर्न वर्ल्ड में डाटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा अच्छा लगा हम कि हम इस मैनेजमेंट में इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर सकेंगे। और हमारी जो पुलिस है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है और कॉमन सिटीजन को इससे बेनिफिट है, और कॉमन सिटीजन्स को पता भी चलना चाहिए किस तरीके से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो इट्स अ ट्रेमेंडस एफर्ट डन बाय गुड। मैम आपने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये इनिशिएट लेना पंजाब में? आई थिंक इट्स वंडरफुल बिकॉज जितना हमारे थ्रेट्स आर ऑन द राइज, तो उस लिहाज से दिस इज़ स्पेक्टेक्युलर। अब जो क्वालिटी ऑफ द कैमराज है इट्स प्रीटी इंप्रेसिव, जितना जूम करके इट्स स्टिल सो फोकस्ड, बट ऑफ कोर्स यू नो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स इन द करंट एरा, तो आई थिंक दैट्स समथिंग आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट, बट सो फार सो गुड, वेरी इंप्रेस्ड। इसके साथ साथ मैडम, मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी नुमाइंदगी यहाँ पर बिल्कुल उनके इक्वल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा साइन है, आई थिंक दिस इज़ समथिंग जिसके पीछे हम काफ़ी अरसे से एज अ नेशन वी वर फार लैगिंग बिहाइंड इन दिस एस्पेक्ट, तो वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी होपफुल साइन टू सी सच जेंडर इक्वालिटी इन दिस ऑफिस। सर, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का आपने दौरा किया और आपने देखा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह से पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने इस चीज़ का इनिशिएट किया, और इस हवाले से आप क्या कहें? जी बिल्कुल, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कंट्रोल सेंटर है, काफ़ी कैमराज की विजिबिलिटी है यहाँ पे, काफ़ी कवरेज नज़र आ रही है यहाँ पे। हमें बताया गया है कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैमराज अक्रॉस लाहौर जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि सिटीजन्स की जो लाइफ और प्रॉपर्टी है वो एटलीस्ट सिक्योर रहे, सेफ और सिक्योर रहे, और काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट है, देखा है हमने, लोग काफ़ी काम शाम कर रहे हैं इसके ऊपर। कुछ हम सर से डिस्कस भी कर रहे थे कि मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती है, तो काफ़ी फ्रूटफुल हमारा अभी तक विजिट रहा है। अच्छा मैम, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में 25% खवातीन की भी नुमाइंदगी मर्दों के साथ है, इस हवाले से आप क्या कहें? बहुत अच्छी बात है, इसको इंक्रीज होना चाहिए बिकॉज अभी 25% इज़ नॉट अलॉट कम्पेयर टू द वुमेन फोर्स दैट इज़ अवेलेबल टू यू, लेकिन अच्छी बात है, विद टाइम इट शुड इंक्रीज एंड आवर लीड इट शुड बी 50-50। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, आगे प्रॉपर पता चलता है कि नहीं, बहुत इनोवेशन है, बहुत अच्छा काम हुआ है, और इसी उस पे राह पे आपको चलते हुए मज़ीद तरक्की करनी चाहिए। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, और मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं, और मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ है यहाँ पर आके। मेरे ख्याल में बाकी प्रोविंसेस से भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है रेप्लिकेट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो है ओवरऑल सिक्योरिटी जो है अच्छी बेहतर की जा सके। फ्यूचर में आप इसको कैसा देखती हैं, इस प्रोजेक्ट को, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को?
فیوچر میں یہی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ابھی تک جتنے سیکورٹی پرابلمس تھے, ہمیں یہی زیادہ شکایت رہی ہے نا کہ ہماری پولیس وغیرہ زیادہ بہتر کام نہیں کر رہی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اپنی پولیس کو بہتر کرنے کا, اپنی یہ جو لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کا. سر, پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا آپ نے دورہ کیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز دیکھنے کا کہ کتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں پولیس میں اور کس طرح سے جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنیکس کو اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو امپلائی کیا جا رہا ہے جسٹ ٹو کیپ دی سٹیزنز آف لاہور سیف. ادر دین دیٹ, اوور آل جو پنجاب کو جو ہے کس طرح پنجاب سیف سٹی اتھارٹی جو ہے کیٹر کر رہی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے, جس میں جو ہے کالز کی ریسیو کرنا اور ڈسپیچ یونٹس کو انفارم کرنا اس بارے میں, تو کافی ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے. اور ود دی پیسج آف ٹائم یہی ٹیکنالوجی اور یہی ایڈوانسمنٹس ہمیں چاہیے تاکہ ہم جو ہے اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. سر, بینگ ایز اے سول آفیسر, آپ اس کو کتنا کارآمد سمجھتے ہیں عوام کے لیے؟ یہ بہت کارآمد ہے. جب سے پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز لانچ ہوا پچھلے کوئی ڈھائی سال سے جو ہے اس کے جو پرفارمنس کا گراف ہے وہ اوپر ہی گیا ہے, اور اس کی یہ پرفارمنس ہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک وائلیشنس میں کافی کمی آ گئی ہے, جو لوگ ہیں وہ کافی رسپانسبلی ایکٹ کرنے لگے, جو آپ کے اوور آل کرائم ریٹس ہیں ان میں جو ہے ایک سگنیفیکنٹ ڈراپ ہوا ہے. تو پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز نے اسپیشلی لاہور میں اور ان شاء اللہ باقی ضلعوں میں بھی ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے اپنی پرفارمنس بڑھاتے رہیں گے. جی ناظرین, آپ نے سول سروسز اکیڈمی کے افسران کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے بارے میں تاثرات کو سنا.